क्या बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आप अविलंब न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे? अविलंब का कोई व्याख्या है? राजद के कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है कि उनके इस छोटे मोटे अत्याचार से घुटने टेक देंगे। वो तो एक लालू जी की कहावत थी जो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन टूटी फूटी भाषा में बोल देता हूँ कि भीम 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 एक पर बैठे तीन तीन, तो यहाँ एक पर तीन तीन बैठने वाले शेर से सवा शेर खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर्नेशन। बिहार के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां राजद कार्यकर्ताओं का आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन की तस्वीरों से आहूत होते हुए इस बात का ऐलान कर दिया था कि 26 मार्च यानी कि आज बिहार को बंद रखा जाएगा। तमाम गठबंधन दलों के साथ उन्होंने इस बात की घोषणा की और सभी का समर्थन भी मिला। अलग अलग जिलों से कई सारी तस्वीरें सामने आई जहां पर सड़क को जाम किया गया, कहीं रेल परिचालन को बाधित किया गया तो कहीं सड़कों पर ही राजद कार्यकर्ता लेटते हुए नजर आए। अब इन सब के बीच एक और तस्वीर सामने आई है बिहार के बेगूसराय जिले से, जहां पर तमाम राजद कार्यकर्ता आक्रोशित होते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है बेगूसराय जिले में, किस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध प्रदर्शन जताया गया है, छोड़े जाते हैं आपको पूरे वीडियो के साथ। कर रहे हैं ना, आज 23 तारीख को लोहिया जयंती और भगत सिंह के शहादत के दिवस पे बिहार विधानसभा में लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई उसके विरोध में और कृषि कानून के तीन बिल के विरोध में आज हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ में आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। विधानसभा में जिस तरह से पुलिस के लाठी के बल पर पुलिस एक्ट जैसे काले कानून को पास कराया गया, उस काले कानून में हम लोगों के जो मानवाधिकार का बात होती है उसका भी हनन करने का प्रावधान किया गया। उसमें लिखा गया है कि आप बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके आप अविलंब न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। अविलंब का कोई व्याख्या है? आप 48 घंटा 24 घंटा दंड प्रक्रिया संहिता में 24 घंटा लिखा हुआ है, आप पुलिस एक्ट में क्यों नहीं लिखे इसका समय मिल सकती है? आप किसी व्यक्ति को वारंट लेकर बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकते हैं? ये कहाँ का कानून बनाए हैं आप? क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से मेरी मांग है कि ये पुलिस एक्ट को अविलंब वापस ले और कृषि कानून को अविलंब वापस ले और बेरोजगारी की जो बढ़ती जा रही है उस बेरोजगारों को अविलंब रोजगार उपलब्ध करावे, सरकारी रोजगार उपलब्ध करावे। ये घोषणा की थी ये भाजपा जदयू की सरकार, अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, 10 लाख रोजगार तो अभी तक उपलब्ध नहीं करा पाए और उल्टे ये काला कानून पास कराने की बात करते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि अगर इस काले कानून कृषि बिल को और ये पुलिस एक्ट को वापस अगर नहीं लेगा तो हम लोग आंदोलन को और तीव्र करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक हम लोग कानून का विरोध करते रहेंगे। मांग हमारी ये है, सबसे पहली मांग किसानों का जो तीन काला कानून लिया दिया है सरकार ने, जो जबरदस्ती थोपा है उसको केंद्र सरकार वापस ले। उसके बाद जो है 23 तारीख को जो विधानसभा में NDA सरकार के द्वारा नीतीश कुमार के द्वारा जो RJD के महागठबंधन के विधायकों पे बर्बरता अत्याचार किया गया है उसके खिलाफ में है। 23 तारीख को ही जब विधानसभा का घेराव में हमारे राजद कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ आगे बढ़ रहे थे, उन पर लाठीचार्ज प्रशासन ने किया, अत्याचार किया है, उनके मान सम्मान का हनन किया है, इसके खिलाफ में आज बिहार बंद का आह्वान महागठबंधन के द्वारा किया गया है। आगे की रणनीति, अगर सरकार बाज नहीं आती है अपने कुकर्मों से तो यहाँ से लेके प्रदेश, जिला से लेके प्रदेश, प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और इससे भयावह आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि राजद के कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है कि उनके इस छोटे मोटे अत्याचार से घुटने टेक देंगे। वो तो एक लालू जी की कहावत थी जो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन टूटी फूटी भाषा में बोल देता हूँ कि भीम 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 एक पर बैठे तीन तीन, तो यहाँ एक पर तीन तीन बैठने वाले शेर से सवा शेर खड़े हैं।